तो फील गेम फैमिली, जैसा भी आप लोग देख रहे हो कि आज का गेम प्ले बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज WWE के दो बहुत ही खतरनाक मैनेजर गेम के अंदर टकराने वाले हैं, पॉल हेमन और पॉल बेयरर। तो एक तरफ पॉल हेमन के क्लाइंट्स हैं ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस, और दूसरी तरफ पॉल बेयरर सर के क्लाइंट है अंडरटेकर और केन। तो चलो भाई, आज का ये सिक्स मैन टैग टीम एलिमिनेशन मैच स्टार्ट किया जाए। और हाँ, पॉल बेरर ऑब्वियसली 2K22 में थे नहीं, रेस्ट इन पीस सर, लेकिन मैंने इनका 2K22 में मॉड डाउनलोड कर लिया और काफी अच्छा मॉड बनाया, अभी आप लोग कुछ देर में देखने वाले हो। तो फील गेम फैमिली को अपना काम पता है कि एकदम फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो भाई, और अगर आप अभी तक फील गेम फैमिली के मेंबर नहीं हो तो एकदम सब्सक्राइब करके एकदम फटाक से बेल नोटिफिकेशन भी साथ ही साथ दबा लो, ताकि मैं जब भी वीडियो डालू या लाइव स्ट्रीम करूं तो आपको एकदम सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में आके लिख सकते हो कि आप फर्स्ट हो, तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन दबाना होगा, ऑल पे करना होगा। पॉल बेरर वर्सेस पॉल हेमन, भाई मैं सच्ची बताना चाहूंगा, पॉल बेरर के सामने पॉल हेमन आज पता नहीं क्यों मुझे स्लिप ट्रिप लग रहा है। अच्छा, ये याद है पॉल बेरर सर कैसे बोलते थे, Excuse me! बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर था, अंडरटेकर को यही लेके आए थे WWE में। अंडरटेकर तो बात करते नहीं थे ज्यादा, तो उनके बदले पॉल बेरर ही बात करते थे, और केन को भी पॉल बेरर ही लेके आए थे WWE में, अगर आपको याद आ रहा होगा। तो दोनों ही क्लाइंट्स ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गए बाद में, और पॉल हेमन का तो पता ही है सबको भाई, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, CM Punk, Big Show और भी बहुत सारे। पॉल हेमन को टूमस्टोन अंडरटेकर ने आके दे दिया है, नॉकआउट भी ऑन, याद रखना ज्यादा जो पिटा उसका टाटा हो जाएगा, हेड येलो हो चुका है पॉल हेमन का। पॉल बेरर को ओवरऑल 75 है, लेकिन जैसा आप लोग को अभी तक समझ में आ चुका होगा कि 2K22 में ओवरऑल उतना ज्यादा मैटर करता नहीं है भाई, 75 वाला भी 80-90 वाली की वाट लगा सकता है, और ये हमने देखा है बहुत बारी, पहले के गेम्स में बहुत मैटर करता था लेकिन अब मैटर नहीं करता है। पॉल हेमन ने ट्राई किया लेकिन अंडरटेकर ने रिवर्स कर दिया, पॉल हेमन की हेल्थ कम है, भागना चाहिए, सुपर किक मार के भागे हैं पॉल हेमन। ब्रॉक लेसनर को टैग मिला है, ब्रॉक के पास भी एक फिनिशर है, सबके पास एक एक फिनिशर है, लेकिन अंडरटेकर ने अपना फिनिशर लगा दिया है। केन क्यों अंदर आए, ओह नीचे पॉल बेरर वर्सेस रोमन चल रहा था, कैमरामैन ने दिखाया नहीं भाई, रिंग काउंट 5 ही है, रेफरी रोक रहा है ब्रॉक लेसनर को, ओ भाई रेफरी की ये मजाल, पीट दिया ब्रॉक ने, मैंने बोला था रोकता मत ब्रॉक लेसनर को, रेफरी की इतनी हिम्मत भाई, लगा दिया ब्रॉक ने। ये बहुत अच्छा बनाया 2K22 ने, पता है रेफरी ज्यादा 3-5 करता है ना तो सुपरस्टार्स रेफरी को मारने लगते हैं, बहुत बारी ऐसा हुआ है, ऐसा ही और होना चाहिए। अंडरटेकर सर आज बहुत सही जा रहे हैं, ब्रॉक लेसनर की हेल्थ भी कम है, फिनिशर लगा दिया लेकिन कमुरा लॉक, टैप आउट नहीं करेंगे पर डैमेज कर दिया है। पॉल बेरर वो बार पिनफॉल भी नहीं होगा, बचाने की जरूरत नहीं थी, अभी तो एक ही फिनिशर लगा है, कम से कम दो फिनिशर लगेंगे अंडरटेकर को डाउन करने के लिए, या 3 या 4 भी हो सकता है। रनिंग पावर स्लैम, अंडरटेकर धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं। ब्रॉक लेसनर टेक डाउन पंचेस, ओ हो भाई आज फॉर्म में ब्रॉक लेसनर, क्या बात है, ऐसे आदमी को ब्रॉक लेसनर को टैग देना चाहिए अपनी टीम में जिसके पास फिनिशर है, और जाके रेस्ट करना चाहिए, लेकिन आज ब्रॉक लेसनर रेस्ट करने के मूड में नहीं है, सिग्नेचर आने वाला है ब्रॉक के पास, सिग्नेचर भी लगा दिया अंडरटेकर सर की, बहुत हेल्थ चली जाएगी, बॉडी येलो हो चुकी है, अंडरटेकर को भागना चाहिए टैग देने के लिए, अंडरटेकर सर जा रहे हैं इधर, ब्रॉक लेसनर भी जा रहे हैं, लेकिन अंडरटेकर ना खुद गए, वो अब तो चले गए लेकिन ब्रॉक को रोक दिया है, अच्छा दिमाग, ब्रॉक लेसनर जा रहे थे टैग देने लेकिन उनको मौका नहीं मिला है, अब केन आ चुके पेन देने के लिए ब्रॉक लेसनर को, एक फिनिशर केन, अरे केन वापस चले गए, पॉल बेरर को फिर से टैग, चलो अच्छा ही है, आज ही मॉड डाउनलोड किया है, थोड़ा जलवा भी देख लिया जाए, फिनिशर, ओ भाई कॉर्बिन का फिनिशर था लेकिन रिवर्स कर दिया है ब्रॉक, मैंने बोला आज मूड में लग रहे हैं ब्रॉक लेसनर, ट्रिपल जर्मन सुप्लेक्स, ये खतरनाक देखने में लगेगा, ओ हो भाई पॉल बेरर का आप लोग को सामने से मुंह दिखा था, जिसने भी मॉड बनाया है भाई बहुत ही खूब बनाया है, ये आप कम्युनिटी क्रिएशन से डाउनलोड कर सकते हो। पॉल बेरर की बॉडी भी येलो है, सर भी येलो है, लेकिन पिनफॉल नहीं होगा, अभी भी थोड़ी हेल्थ है, अभी भी अंडरटेकर और केन बचाने भी नहीं आए, पता था कि किक आउट कर देंगे, पॉल वर्सेस पॉल होना चाहिए, अरे पॉल हेमन को टैग देते, लेकिन रोमन रेंस आ चुके हैं फुल हेल्थ के साथ, एक फिनिशर, गिलिटिन पक्का मुझे लगा ही था, पॉल बेरर इसके बाद भी नहीं गए, इतनी मार खाने के बाद भी सर ऑरेंज हो गया है लेकिन अभी तक एलिमिनेट नहीं हुए, पिनफॉल हो सकता है, अंडरटेकर सामने ही है, अंडरटेकर बचा रहे नहीं थे, केन ने बचाया, पॉल बेरर अभी एलिमिनेट हो जाते, ये गलत आदमी पे ध्यान दिया, रिवर्स भी हो गया है, पॉल बेरर के पास अभी थोड़ा सा मौका है,
लेकिन गिलिटिन पड़ा है ना, इसलिए अभी उठने में टाइम लगेगा। रोमन गलत आदमी पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? लीगल आदमी पॉल बेरर है, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखो दोबारा गलती, दो बार गलती कर दी है रोमन ने, तो आखिरकार रोमन ने बाहर फेंक ही दिया गेंद को। अब पॉल बेरर को संभालेंगे, सिग्नेचर भी आने ही वाला है रोमन के पास। इसके बाद आ जाता सिग्नेचर, पॉल बेरर को भागना चाहिए, भागना चाहिए था, गलती कर दी। बहुत ही जोर से कूदे रोमन के ऊपर। पॉल बेरर सर की टीम अभी फिलहाल हार रही है, क्योंकि अंडरटेकर और पॉल बेरर दोनों पिट गए, और उधर सामने रोमन और ब्रॉक लेसनर बिल्कुल नहीं पिटे हैं। पॉल हेमन का सिर्फ सर येलो है, ओल्ड स्कूल लगा दिया अंडरटेकर ने। सिग्नेचर है अंडरटेकर का, रोमन की बॉडी डैमेज हो सकती है इससे, या सर येलो हो सकता है। ज्यादा डैमेज नहीं होगा, येलो तक हो जाएगा, पता ही था। अंडरटेकर को फिनिशर भी अभी देना चाहिए था, गलती कर दी। पिनफॉल नहीं होगा सर, टाइम वेस्ट। पिनफॉल करके और रिकवर करने का टाइम दे दिया अंडरटेकर ने, फिनिशर लगा देना चाहिए था। पॉल बेरर की टीम में सिर्फ केन बचे हैं जिनकी पूरी हेल्थ है। केन के पास फिनिशर है, सिग्नेचर भी आई थिंक आ ही गया, एक लाता और सिग्नेचर आ जाएगा। लेकिन रोमन ने रिवर्स कर दिया, सुपरमैन पंच मिस कर दिया। 2K22 में पता नहीं बहुत मिस करते हैं भाई, 10 बार रोमन अगर सुपरमैन पंच लगाएंगे ना 2K22 में, तो आई थिंक 6 बार मिस कर देंगे 2K22 में। सुपरमैन पंच का झोल है कुछ। गेन को अपनी हेल्थ बचा के रखनी होगी, गेन की हेल्थ गई ना तब समझ लो पॉल बेरर की टीम ये मैच नहीं जीतने वाली है। फिनिशर है गेन के पास, सिग्नेचर भी है, साइड स्लैम, लेकिन रनिंग पावर स्लैम दिया है। साइड स्लैम दे सकते हैं, ऊपर से क्लोज लाइन भी दे सकते हैं, दोनों सिग्नेचर है गेन का। चौक स्लैम डायरेक्ट फिनिशर लगा दिया है रोमन, बॉडी ऑरेंज एलिमिनेट हो सकते हैं रोमन। फर्स्ट एलिमिनेशन द ट्राइबल चीफ का कर दिया गेन ने भाई, पेन दे दिया। और इधर पॉल हेमन को भी सिग्नेचर, गेंद तो आज खतरनाक मूड में भाई, जीता हुआ मैच पॉलिमेंट की टीम के लिए हार में बदल दिया है। पिनफॉल तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन खतरनाक यार गेंद, गेंद ओपी कर लो भाई एक बार चैट में, जीता हुआ मैच को हार में बदल दिया। यहां एक और फिनिशर लगाया, पॉलिमेंट भी एलिमिनेट हो सकते हैं। अंडरटेकर सर की टीम हार रही थी, लेकिन अभी भी ब्रॉक लेसनर है, और आज आपने देखा होगा कि ब्रॉक लेसनर फुल मूड में, और ब्रॉक लेसनर की हेल्थ भी फुल है, फिनिशर भी है ब्रॉक के पास। मैनेजर वर्सेस मैनेजर, पॉल बेरर वर्सेस पॉल हेमन, दोनों में से एक आदमी एलिमिनेट होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट करें। पॉल हेमन पिटने के बाद भागेंगे, मेरे को पता ही था, अच्छा ही क्या, वरना एलिमिनेट भी हो सकते थे। अभी ब्रॉक लेसनर के पास फुल हेल्थ है, अगर पॉल हेमन की टीम को अभी जीतना है तो ब्रॉक लेसनर को परफॉर्म करना होगा बहुत ही बढ़िया, क्योंकि केन की भी फुल हेल्थ है। ब्रॉक लेसनर की तो बॉडी भी डैमेज हो गई है, केन भी आज फुल फॉर्म में है भाई, क्या बात है। रोमन को एलिमिनेट कर दिया आसानी से आज, और ब्रॉक लेसनर को भी अब पीट रहे हैं। अगर ब्रॉक को भी एलिमिनेट कर दिया ना भाई, तो समझ जाना आज केन फॉर्म में। बॉडी ऑरेंज कर दी, इसी के बाद रोमन एलिमिनेट हुए थे। अगर फिनिशर लगाया ब्रॉक भी जा सकते हैं, पीटे जा रहे भाई ब्रॉक लेसनर को, फुल हेल्थ थी, बॉडी ऑरेंज कर दी है ब्रॉक लेसनर की। फिनिशर अभी तक पता नहीं केन ने कैसे नहीं लगाया, केन आए पीटे और चले गए। अंडरटेकर को टैग मिल गया है, अंडरटेकर के पास भी फिनिशर है। ब्रॉक लेसनर को बहुत ही ज्यादा संभल कर, बहुत ज्यादा ज्यादा संभल कर खेलना हो, क्योंकि फिर पॉल हेमन अकेले बच जाएंगे, और फिर ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने 1v3 करना थोड़ा थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ब्रॉक लेसनर को अभी बचना होगा। पॉल हेमन को टैग मिल गया है, डबल टीम अप, कुछ फायदा होगा इससे। पॉल हेमन के पास सिग्नेचर फिनिशर दोनों है, फिनिशर अगर लगाते तो अंडरटेकर एलिमिनेट हो सकते हैं, अंडरटेकर जा सकते हैं, बॉडी ऑरेंज है, बूम, और अंडरटेकर एलिमिनेट। 2-on-2 का मैच हो चुका है, लेकिन अभी भी ज्यादा भारी टीम पॉल बेरर की है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि केन की हेल्थ फुल है, और दूसरा फिनिशर आने वाला है, एक सिग्नेचर भी है, आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं दोनों को केन अकेले। ये चौक स्लैम पड़ा, पॉल हेमन शायद चले जाए, बूम, और ये एलिमिनेट नहीं हुए। ब्रॉक लेसनर को पिनफॉल बचाना होगा, ब्रॉक पिनफॉल नहीं बचाते तो अभी पिनफॉल भी हो सकता था। केन को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, गलत गलत आदमी को सिग्नेचर दे रहे थे, ब्रॉक लेसनर ने सिग्नेचर छीन लिया भाई, वरना ये सिग्नेचर अभी पॉल हेमन को पड़ता और पॉल हेमन एलिमिनेट हो सकते थे। ब्रॉक ने बचा लिया मैच को कुछ देर के लिए, ब्रॉक गए बाहर, और इधर पॉल हेमन ने पॉल बेरर को बाहर फेंक दिया। अब इन दोनों को कुछ देर के लिए और कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, पिनफॉल भी हो सकता है, यही टाइम है पिनफॉल करने का, दोनों लोग स्टंड है। पॉल हेमन भी पिनफॉल कर सकते हैं, ये ना सिग्नेचर है ना फिनिशर है, पॉल हेमन के पास कुछ नहीं है।
केन के पास एक फिनिशर है, अभी पिनफॉल हो सकता था लेकिन पॉल हेमन ने किक आउट कर दिया, फिर गलत आदमी पे ध्यान, चॉक स्लैम देने जा रहे थे लेकिन इतना टाइम लगाते हैं ना, केन मिस कर दिया मौका, पिनफॉल नहीं होने वाला है अभी, केन मारी नहीं खाया, बॉडी पार्ट डैमेज ही नहीं है, अभी एलिमिनेशन अगर हो सकता है वो पॉल बेरर का, क्योंकि सर लाल है, केन का तो अभी एलिमिनेशन नहीं होने वाला है, चांस ही नहीं, बॉडी येलो हो गई लेकिन अभी भी चांस नहीं है, सिग्नेचर देने जा रहे पॉल हेमन, हाँ इसके बाद हो सकता है एलिमिनेशन, इसके बाद अभी नहीं, हाँ अब इसके बाद हो सकता है अगर फिनिशर लगा दे तो, पॉल हेमन का जलवा देगा, सिग्नेचर देने के बाद पिनफॉल भी नहीं किया, डायरेक्ट जाके टैग ब्रॉक लेसनर को, ब्रॉक के पास एक फिनिशर एक सिग्नेचर, दूसरा भी आने ही वाला है, फिनिशर लगा दिया केन जो कि डैमेज नहीं थे, अब केन को भी डैमेज कर दिया है, ब्रॉक लेसनर कमुरा लॉक ऐसा है ना कि हाथ को डैमेज करता है और हाथ जल्दी कोई और मूव से डैमेज होता नहीं है, इसलिए कमुरा लॉक से टैप आउट करवाना थोड़ा मुश्किल है, कम से कम दो या तीन बार देना होगा टैप आउट करवाने के लिए, ब्रॉक का सिग्नेचर छीन लिया केन ने, केन के पास सिग्नेचर फिनिशर दोनों, ब्रॉक लेसनर अगर गए, चौक स्लैम मिस कर दिया केन ने, अगर ब्रॉक लेसनर गए तब तो पॉल हेमन को कोई नहीं बचा सकता है, 2-on-1 में फिर जीतना मुश्किल हो जाएगा पॉल हेमन के लिए, बॉडी पहले से डैमेज है, ब्रॉक लेसनर लाल हो चुकी है बॉडी, कभी भी एलिमिनेट हो सकते हैं एक फिनिशर या फिर सिग्नेचर, ब्रॉक ने टैग दे दिया, केन को भी जाना चाहिए था टैग देने लेकिन नहीं दिया है, चौक स्लैम पॉल हेमन गए, पॉल हेमन का टाटा है भाई, लास्ट आदमी ब्रॉक बचने वाले हैं, बूम खत्म, लास्ट आदमी पॉल बेरर की टीम जीतने वाली है, 2-on-1 करना होगा ब्रॉक लेसनर को, लेकिन दिक्कत ये है कि पॉल बेरर और केन दोनों के पास सिग्नेचर है, ब्रॉक के पास एक फिनिशर है, एक ही फिनिशर है सिर्फ, और केन शायद एक फिनिशर में जाए भी नहीं, अगर दोनों भी काउंट आउट हो गए तब भी पॉल बेरर की टीम जीत जाएगी, अंदर जाओ ब्रॉक, अंदर जाओ, काउंट आउट से मत हारना, बचा लिया केन ने, ब्रॉक ये भी कर सकते हैं कांड, अगर केन को काउंट आउट कर दिया तब पॉल बेरर को एलिमिनेट करना थोड़ा आसान होगा, केन अंदर आ जाओ, ऐसे मत एलिमिनेट होना, जो करना हाँ रिंग के अंदर सर, आ जाओ यहीं पे, ब्रॉक लेसनर के लिए मुश्किल टास्क है, दो एलिमिनेशन करने होंगे ब्रॉक लेसनर को, लेकिन दिक्कत ये है कि ब्रॉक खुद पिट गए हैं, एक सिग्नेचर और ब्रॉक लेसनर का एलिमिनेशन हो सकता है, पॉल बेरर एलिमिनेट करेंगे ब्रॉक लेसनर को, सिग्नेचर, पॉल बेरर का सिग्नेचर क्या था, फिनिशर तो देखा था, एंड ऑफ डेज था, लेकिन सिग्नेचर क्या है, शायद ये सिग्नेचर है, ट्रिपल जर्मन सुप्लेक्स, ओ भाई ब्रॉक का सिग्नेचर ये क्या, नहीं सुप्लेक्स के साथ साथ क्लोज लाइन, लेकिन ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट नहीं हुए, अभी हो सकते हैं, ब्रॉक ने किक आउट कर दिया है किसी तरह, लेकिन ब्रॉक लेसनर की हेल्थ अब बहुत कम है, केन ने भी अगर सिग्नेचर लगा दिया तब खेल खत्म ब्रॉक लेसनर का, केन वापस क्यों चले गए, अच्छा पॉल बेरर से फिनिशर दिलवाना, ये भी अच्छा स्ट्रेटजी है, लेकिन दे पाएंगे, पॉल बेरर बहुत वेट कर रहे हैं, इतना वेट नहीं करना चाहिए था, ब्रॉक ने आंख नोच दिया, ब्रॉक के पास सिग्नेचर भी आने वाला है, एक सिग्नेचर एक फिनिशर, टेक डाउन पंचेस नहीं, हाथ को डैमेज करे, कहीं कमुरा लॉक देने वाले हैं क्या, पॉल बेरर को भागना चाहिए, केन को आने दो, केन एक फिनिशर सरवाइव कर सकते हैं, शायद एक या दो फिनिशर और केन सरवाइव कर सकते हैं, साइड स्लैम रिवर्स कर दिया केन का, वरना अभी ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट होने वाले थे, सिग्नेचर छीना है ब्रॉक, यही टाइम है फिनिशर देने जा रहे ब्रॉक लेसनर, केन शायद एलिमिनेट हो सकते हैं, इसके बाद भी केन एलिमिनेट नहीं हुए हैं कमुरा लॉक के बाद, लेकिन हाथ डैमेज हो गया है, टैप आउट नहीं करेंगे, हाथ येलो है ना, ऑरेंज होता तो कर देते, पिनफॉल हो सकता है केन का, पर पॉल बेरर पिनफॉल करने देंगे, ब्रॉक के पास सिग्नेचर है, ट्रिपल जर्मन सुप्लेक्स छीन लिया केन ने, अब केन के पास सिग्नेचर आ चुका है, ब्रॉक लेसनर को सिग्नेचर फिर से, ब्रॉक बार बार सरवाइव कर जा रहे भाई, रिवर्स कर करके एक सिग्नेचर पड़े और ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन ब्रॉक ने भाई बहुत छीना इस मैच में, तभी सरवाइव कर रहे हैं लेसनर, केन को भागना चाहिए, पॉल बेरर को टैग देना चाहिए, पॉल बेरर के पास फिनिशर है, केन के पास भी ऐसे आने ही वाला है, डबल टीम अप ब्रॉक लेसनर के साथ, ब्रॉक का कांड होने वाला है भाई, डबल टीम अप मूव नहीं दिया, अभी दे सकते थे, केन के पास फिनिशर आ चुका है, केन ने टैग दे दिया पॉल बेरर को, ब्रॉक के पास सिग्नेचर है,
पॉल बेरर के पास फिनिशर है, एंड ऑफ डेज देने जा रहे हैं। ये लगा खेल खत्म, छीन लिया ब्रोक ने। ब्रोक बार बार सरवाइव कर रहे हैं भाई, सिग्नेचर फिनिशर सिर्फ छीन छीन कर। एक सेकंड लगता ब्रोक को एलिमिनेट करने में, लेकिन ब्रोक नहीं, हार मानने के लिए तैयार नहीं है। पॉल बेरर की बॉडी भी लाल हो गई है, अब कभी भी एलिमिनेट हो सकते हैं। बॉडी लाल, सर लाल, खतरा बहुत ज्यादा हो गया है। पिनफॉल हो सकता है, केन बचाने भी नहीं आ रहे हैं। पॉल बेरर ने किक आउट कर दिया, लेकिन केन ने गलती की, बचाने आना चाहिए था, पिनफॉल हो सकता था शायद। टेक डाउन पंचेस, पॉल बेरर की बची कुची हेल्थ भी खत्म हो गई है। ब्रॉक के पास दूसरा फिनिशर आने वाला है, दूसरा फिनिशर आया, खेल खत्म है भाई, फिर कोई चांस ही नहीं है। एक सिग्नेचर या फिनिशर, नॉर्मल सुप्लेक्स, फिनिशर, ओ फिनिशर देने जा रहे थे, सही टाइम पे भागे पॉल बेरर, वरना भी एलिमिनेट हो सकते थे। केन ने भी फिनिशर छीन लिया भाई, ये मैच में चल क्या रहा है, लास्ट में सब फिनिशर छीन छीन के यार कांड किए जा रहे हैं, कौन जीतेगा समझ में नहीं आ रहा। केन की बॉडी ऑरेंज है, केन अगर फिनिशर लगा देते अभी भी ब्रोक को एलिमिनेट कर सकते थे। ब्रोक ने लगा दिया कमरो लॉक, केन का, केन को एलिमिनेट कर दिया है। पॉल बेरर की तो हेल्थ ही नहीं है, खत्म भाई खत्म, जीत गया ब्रोक लेसनर, जीत गया ब्रोक लेसनर ने भाई, कांड कर दिया है, हारा हुआ मैच। आज मूड में थे ब्रोक लेसनर, आज फॉर्म में थे, जीत गए, लगा ही था। तो टीम पॉल हेमन जीत चुकी है, रोमन, ब्रोक लेसनर और पॉल हेमन, और ऑल थैंक्स टू ब्रोक लेसनर। ब्रोक लेसनर ने आज भाई नेक्स्ट लेवल परफॉर्म किया है, तो ब्रोक लेसनर ओपी कर लो भाई एक बार कमेंट सेक्शन में। Here are your winners, Brock Lesnar and Roman Reigns. तो चलो भाई मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना, नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी ऊटपटांग वीडियो के लिए आप लोग भी आइडिया दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।